स्वागत है आपका। सुनीता जी स्वागत है आपका। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, नमस्ते शैलजा जी, नमस्ते। नमस्कार मैम, जय, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब मेरा फोन कट जाता है, हर बार आधी बात रह जाती है, मेरे दो तीन सवाल हैं। जी जी बताइए डॉक्टर साहब। एक तो मेरा पेशाब नहीं रुक रहा बहुत, वो चिलगोजा भी ले रही हूँ मैं आपका, और पेशाब पहुँचते पहुँचते निकल जाता है डॉक्टर साहब, मैं डर के मारे कहीं जाती भी नहीं हूँ। और एक डॉक्टर साहब मेरे बेटा है बड़ा, वो उसके जी नखून काले पड़ गए हैं डॉक्टर साहब, जैसे जैसे गल जाते हैं ऐसे काले पड़ गए सारे नखून पैरों के। उम्र कितनी है बेटे की? बेटे की उम्र है जी 35 के करीब है जी। और आपकी? मेरी 50 साल है जी। तीसरा सवाल। और जी मेरे कमर डॉक्टर साहब, पहले आपके कौन सी आदत ठीक हो गया था, फिर बीच में हो जाता है ये दर्द। हाँ जी, और चलती बार छाती में दर्द हो जाता है, और आर पार सीने में रोज दर्द हो जाता है डॉक्टर साहब शाम के टाइम मेरे। ठीक है, ठीक जी, ठीक जी। देखिए अभी तक रोग पूरा गया नहीं है, इसलिए बार बार हो जाता है, तो गौंसिया तो आप लेते ही रहिए। और पेशाब का मामला यूँ है कि अगर आप ये नुस्खा गौन चिलगोजा आप लेते एक चुटकी, तो गौन चिलगोजा, अलसी, अलसी लीजिए, जैसे 100 ग्राम अलसी ले लीजिए और 100 ग्राम लाजवंती, इन दोनों को खूब बारीक पाउडर बना लीजिए, और अब इसका आधा चम्मच खाइए, इसमें एक चुटकी गौन चिलगोजा मिलाकर, दिन में एक बार या दो बार बस ये आप लेना शुरू करें, तो आपको पेशाब के रोग में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बच्चा जो जिसके नाखून काले हो रहे हैं, तो उसे गौन मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना 1 ग्राम पानी दूध या नारियल पानी के साथ पिला दिया करिए, बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी।